Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we will start our new chapter, that is cardiovascular system. And today we will study about the entire cardiovascular system in a short form. भाई एक बार अपन देख लें कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो शॉर्ट में पढ़ लेते हैं एक साथ पूरे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, फिर इंडिविजुअल इसके जो पार्ट्स हैं, इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी है, हार्ट की, ब्लड वेसल्स के, वो अपन अलग से पढ़ लेंगे. तो पहले एक साथ अपन पूरा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज पढ़ लेते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर के बना हुआ होता है. ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है. इसमें ब्लड को पढ़ना है, हार्ट को पढ़ना और ब्लड वेसल्स को पढ़ना है. ये क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है? ये सिस्टम हमारे बॉडी के वेरियस टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, तो देने लेने का काम करता रहता है. ब्लड टिश्यू को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन देता है और वेस्ट प्रोडक्ट CO2 वगैरह को उनसे ले लेता है, लेकर के भेज देता है. ये एक कन्वेइंग मीडिया है जो लिक्विड है, ब्लड की फॉर्म में पाया जाता है, जो क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर फ्लो होता रहता है. क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम मतलब आर्टरीज, वेन्स यानी ब्लड वेसल्स में. तो डायग्राम में दिखाया हुआ है, आपको हार्ट दिखाया गया है लाल और नीले रंग से, लाल से आर्टरी, नीले से वेन्स बताई गई हैं और उनकी छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस को अपन कैपिलरीज कह रहे हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है, जो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला, ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट करता है. या सिर्फ न्यूट्रिएंट हार्मोन्स कह दो, क्योंकि ऑक्सीजन को अपन गैसियस एक्सचेंज में बोलेंगे कि गैसियस एक्सचेंज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को यही बनाता है, क्योंकि इसी सिस्टम के अंदर इम्यून सेल्स, इम्यून प्रोडक्ट्स रहते हैं. और ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है. तो न्यूट्रिएंट हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है, गैसेस O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है टिश्यूज़ के बीच में, टिश्यू और ब्लड के बीच में. इम्यूनिटी टी सेल, बी सेल रखता है, ब्लड वेसल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कैरी करता है. ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट इसी के थ्रू कैरी होते हैं. हार्ट जो है इसके अलावा ब्लड वेसल से ही ब्लड को पंप कर रहा होता है. तो ब्लड को कैसे पंप कर रहा है हार्ट? ब्लड वेसल्स के द्वारा. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड पढ़ना है, हार्ट पढ़ना होता है, ब्लड वेसल्स पढ़नी होती है. ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. तीन ब्लड वेसल्स आपके अंदर होती हैं. या आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सेकेंड ईयर में भी जब मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो ये चीज़ मैं पूछती हूँ, तब आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा था, कोई कहता है खाली दो होते हैं आर्टरीज, वेन्स होती हैं, नहीं है, तीन होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. अब सबसे पहले ब्लड. ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होती हैं. ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, इराइथ्रोसाइट जिसको अपन RBC यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, दूसरी ल्यूकोसाइट्स जिसको अपन WBC भी कहते हैं या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तीसरी थ्रोम्बोसाइट जिसको अपन प्लेटलेट्स कहते हैं. इन सेल्स के अलावा प्लाज्मा होता है जो कि फ्लूड पोर्शन होता है आपके ब्लड का, जिनमें ये सेल्स एम्बेडेड रहती है और ये फ्लूड और ये सेल्स मिलकर के ब्लड बनाती हैं. हार्ट क्या है? ये 4 chambered का एक हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन है, आपके डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पर पाया जाता है, मिड लाइन के लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट, आपका जो मिड पोर्शन आपकी बॉडी का मिड लाइन है उसके लेफ्ट साइड, हल्का सा ये लेफ्ट साइड होता है. इसके एंटीरियर, ये वर्टिबल कॉलम के एंटीरियर और स्टर्नम के पोस्टीरियरली ये लोकेटेड रहता है, स्टर्नम के पीछे और वर्टिबल कॉलम के आगे ये होता है. ये दिखाया गया है बीच में, देखो मिड लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको बड़ा करके थोड़ा देख लें, ये आपका स्टर्नम है, ये मिड लाइन बताई गई है और ये सेकंड रिब बताई गई है. तो सेकंड रिब स्टर्नम के पीछे, डायफ्राम के ऊपर, नीचे ये ब्राउन कलर की लाइनिंग डायफ्राम है, उसके ऊपर जो है मैक्सिमल इंटेंसिटी पॉइंट PMI दिखाया गया है. यहाँ पर ये बताई गई है हार्ट की लोकेशन, ये आपका हार्ट.
राइट लंग इस साइड है, ये आपका हार्ट है, ये एंटीरियर रीजन दिखाया गया, ये हार्ट की स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर की तरफ सुपीरियर वेना कैवा ब्लू कलर के अंदर, लेफ्ट लंग आपको दिखाई दे रहा है, राइट लंग के पास सुपीरियर वेना कैवा है, ये रेड कलर से एओर्टा बताई गई है, ये लंग का पैराइटल प्लूरा है, कट सेक्शन दिखाया गया है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, हार्ट के आगे दिखाई गई है, पैराइटल पेरिकार्डियम हार्ट के अंदर की स्ट्रक्चर जो कट बताया गया है, नीचे की तरफ हार्ट का एपेक्स है, या आप जानते हो कि हार्ट का एपेक्स उल्टा होता है नीचे की तरफ, सब चीज़ों एपेक्स ऊपर होता है, हार्ट का नीचे होता है, और ये नीचे की तरफ डायफ्राम, क्यों डायफ्राम के ऊपर लोकेटेड है ये हार्ट। ये इसका पूरा अच्छे से लेबोरेटरी डायग्राम कि कैसे ब्लड का कंडक्शन हो रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट से अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हार्ट का तो राइट रीजन, राइट वेंट्रिकल और उस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल, और अपने साइड से लेफ्ट दिख रहा है तो यहाँ से पढ़ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ब्लू कलर का पोर्शन जो है वो वीनस पोर्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, राइट आप जानते हो आर्टरियल पोर्शन को इंडिकेट करता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी सबसे ऊपर बताई गई है, एंटीरियर वीना कैवा बताई गई है, नीचे हार्ट का जो चैम्बर है उसमें सबसे पहला राइट एट्रियम है जहाँ से पल्मोनरी वेन जुड़ी हुई है जो कि ब्लड को लेकर आएगी डिफरेंट टिश्यू से। सेमी ल्यूनर वॉल्व बताए गए हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो आपके वेन्स में होते हैं हार्ट के चैम्बर में। दूसरा एवी वॉल्व है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, एवी वॉल्व। नीचे पोस्टीरियर वीना कैवा है, ये राइट वेंट्रिकल है, उसके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में एवी वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ऊपर पल्मोनरी वेन दिखाई गई है रेड से, ऊपर तरफ लेफ्ट एट्रियम है। तो आप जानते हैं भाई एट्रियम और वेंट्रिकल, दो एट्रियम के चैम्बर होते हैं, दो वेंट्रिकल के चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ऊपर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा बताई गई है। हार्ट क्या फंक्शन करता है, ब्लड प्रेशर को जनरेट करता है और ब्लड की रूटिंग करता है, रूट्स में अलग अलग जगहों पर भेज रहा है, अलग जगहों से ले रहा है और ब्लड प्रेशर को जनरेट करता है। हार्ट आपके पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन को सेपरेट करने का भी काम करता है और ये इंश्योर करता है कि ब्लड एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। ऐसा नहीं है कि कभी एक जगह से ब्लड आ गया और उसी जगह से ब्लड निकल गया, ऐसा नहीं होता। जिस रास्ते से ब्लड आ रहा है उसे आएगा और जिस जगह से निकल रहा है उस जगह से निकलेगा, यानी वन वे ब्लड फ्लो को इंश्योर करता है। और ये इंश्योर किसके थ्रू, हार्ट वॉल्व्स के थ्रू होते हैं, वॉल्व्स जो होते हैं वही वन वे फ्लो को इंश्योर करते हैं और आपके ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं। तो हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को करते हैं, वन वे ब्लड फ्लो इससे भी होता है, और हार्ट वॉल्व वन वे फ्लो को करते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करता है। कॉन्ट्रैक्शन रेट चेंज अगर हो जाती है, फोर्स मैच ब्लड डिलीवरी टू चेंजिंग मेटाबॉलिक नीड, तो आपकी मेटाबॉलिक नीड के अनुसार आपके ब्लड की डिलीवरी को चेंज किया जाता है फोर्स मैच के द्वारा, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्शन रेट जो हार्ट की है वो चेंज होगी। भाई अगर डिमांड ज़्यादा ब्लड की हो रही है तो हार्ट थोड़ा सा फास्ट पंपिंग करके अपनी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा करके जल्दी जल्दी फास्ट डिलीवरी करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपकी ब्लड वेसल हार्ट की, मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड वेसल जो कि ट्यूब का एक क्लोज्ड नेटवर्क होता है, इसमें आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स अपन पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल होता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर ब्लड को सप्लाई कर रहा है। आर्टरी खासियत ये थिक वॉल की ट्यूब होती है, ध्यान से सुन लीजिए, डिफरेंस पूछा आता है आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरी थिक वॉल, इसकी दीवारें मोटी होती है, इलास्टिक फाइबर की बनी होती है और इसमें सर्कुलरी स्मूथ मसल्स होती हैं। कैपिलरी छोटी छोटी सी वेसल्स होती हैं, केवल वन सेल थिक होती है, यानी एकदम पतली सी होती हैं और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को सर्व कर रही होती हैं। वेन्स ड्रेनिंग चैनल है, आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल था और वेन्स ड्रेनिंग चैनल है। थिन वॉल की ट्यूब होती है, इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स इनमें भी होंगी। अब सबसे पहले ब्लड वेसल्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें तीन लेयर्स पाई जाती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। बाहर से लेकर अंदर तक की लेयर बताई गई है, इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, ध्यान से पढ़ लीजिए। ये ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर है, आर्टरी, वेन या कैपिलरी की नहीं बता रही हूँ मैं इस समय, ब्लड वेसल की बता रही हूँ।
अब आगे मैं कुछ बताऊं उससे पहले एक पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये तीन स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने नाम लिया, इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। ये तीनों लेयर फुल्ली डेवलप्ड होती है आर्टरी के अंदर। पॉइंट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है तो ये नहीं कि मैडम हमें नोट्स में दिखा नहीं था, मैं बोल के बता रही हूँ, सुन लो। इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया वेल डेवलप्ड होती है आर्टरीज के अंदर। इसी वजह से आर्टरी जो होती है थिक वॉल्ड की लेयर होती है और रप्चर वगैरह आसानी से नहीं होती, क्योंकि आर्टरी रप्चर हो गई बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होना स्टार्ट होता है, हेमरेज कंडीशन अराइज हो जाएगी, पर्सन को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आर्टरी थिक वॉल्ड की होती है जिसमें इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया तीनों फुल्ली डेवलप्ड लेयर्स होती हैं। वेन्स को हमने कहा था वो थिन वॉल्ड की होती है, क्यों? क्योंकि उसमें इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया हालांकि तीनों लेयर्स होती हैं पर मीडिया काफ़ी पतली होती है, फुली डेवलप्ड नहीं होती आर्टरीज के जैसी, काफ़ी पतली होती है। इसी वजह से जो वेन्स होती है वो थिन वॉल्ड की होती है, आप आराम से उसको पंक्चर करके उसे ब्लड कलेक्ट कर सकते हो। और तीसरी कैपिलरीज में मीडिया होती ही नहीं है, वो वन सेल थिक वॉल्ड है, इसलिए एकदम थिनेस्ट वॉल वाली होती हैं कैपिलरी, उसमें मीडिया नहीं पाई जाती है। बहुत मेजर डिफरेंस है, एनाटॉमिकल डिफरेंस जो आप नोट कर लीजिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। अब देखिए ब्लड वेसल का क्लासिफिकेशन, कंडक्टिंग वेसल्स भी होती है आपकी बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेजिस्टेंट, एक्सचेंज वेसल्स और कैपेसिटेंस या रिजर्वायर वेसल्स। पांच तरह की वेसल्स होती हैं, कंडक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेजिस्टेंस, एक्सचेंज और रिजर्वायर वेसल्स। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं, वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती है वो आर्टरीज कहलाती है। थिकेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, ये हाई ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है, इसलिए इस ब्लड को अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपके आर्टरी की जिसमें तीन लेयर बताई गई है, ट्यूनिका, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। इंटीमा एंडोथीलियम है जो कि सभी वेसल्स की ल्यूमन की लाइनिंग बनाती है, वो इंटीमा है, सबसे अंदर इंटीमा। इस इंटीमा में अगर इंजरी हो जाए, इंटीमल इंजरी हो जाए और वहाँ पे क्लॉट बनेगा, इंजरी होगी तो क्लॉट बनेगा ही, आप जानते हो। तो ये एक पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, इस डिजीज़ को अपन एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, क्योंकि अगर क्लॉट बन गया तो वो बेचारी नैरो ल्यूमन होता है आर्टरी का, तो उसमें क्लॉट बन गया तो ब्लड फ्लो कहाँ होएगा, रास्ता नहीं बचेगा ब्लड को फ्लो होने के लिए। तो ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई कम होती है इस कंडीशन को अपन इस्चीमिया कहते हैं। ब्लड फ्लो कम होएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी, ये ऑक्सीजन की कमी को अपन हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इस चीज में होएगा हाइपोक्सिया होगा तो बेचारे टिश्यूज़ मरने लग जाएंगे, ना उनको ब्लड न्यूट्रिएंट मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये डिजीज़ है एथीरोस्क्लेरोसिस, ट्यूनिका इंटीमा में इंजरी की वजह से होती है। ट्यूनिका इंटीमा के बाहर देखो आपको एक मोटी लेयर दिखाई दे रही है, ट्यूनिका मीडिया की है, आर्टरी में इतनी मोटी होती है, बाकियों में नहीं होती, मैंने ऐसा बताया है। स्मूथ मसल सेल की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, इसमें इलास्टिक फाइबर होता है इसीलिए इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है आर्टरीज को। लास्ट आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये कोलाजन फाइबर की बनी होती है। आर्टरीज एक कंपोनेंट होती है वेन और नर्व्स के साथ में, इसके साथ में वेन्स और नर्व्स पाई जाती है। इसकी ल्यूमन बहुत छोटी होती है यानी नैरो होती है, इसमें वॉल्व्स नहीं होते आर्टरी में और इसकी रिपीटेड इसमें ब्रांचिंग होती है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, अगर आपके आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस आता है तब भी ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। आर्टरीज का क्लासिफिकेशन, आर्टरीज इलास्टिक नेचर की होती है, मस्कुलर होती है और आर्टेरियोल्स इसकी एक ब्रांच है। इलास्टिक आर्टरीज एओर्टा और इसकी अधिकतर ब्रांचेज जो है वो इलास्टिक आर्टरीज होती हैं। मस्कुलर आर्टरीज में रीनल, टेस्टिक्यूलर, रेडियल, टीबियल, ये सभी आर्टरीज मस्कुलर होती है। और आर्टेरियोल्स थिन आर्टरीज होती हैं, 0.1 mm से भी कम इसका डायमीटर होता है। ये कहाँ पे होती हैं आपकी किनारों पर अधिकतर पाई जा रही है, जैसे टर्मिनल आर्टेरियोल्स, मेटा आर्टेरियोल्स, थोरोफेयर और चैनल प्रेफर्ड, थोरोफेयर चैनल प्रेफर्ड आर्टेरियोल्स नाम याद कर लीजिए। कैपिलरीज का डायमीटर 5 से 8 माइक्रोन की छुटकी सी होती है। देखिए देखो आर्टेरियोल्स जो हमने बोला वो mm में बोल रहे हैं, हालांकि 0.1 ही बोल रहे हैं पर mm में बोल रहे हैं आर्टेरियोल्स। और
कैपिलरीज तो बेचारी माइक्रोन में होती है, आर्टरियोल से भी पतली एकदम थिनेस्ट होती हैं, ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज जो हैं, और ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ने का काम कर रही, दिखाई दे रही है ऊपर आपको मोटी सी रेड कलर की आर्टरी, नीचे मोटी ब्लू कलर की आर्टरी, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो थिन नेटवर्क ऑफ वेसल्स है वो कैपिलरीज हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो देखो ऊपर जो है वो आर्टरियल दिखाया गया, क्योंकि आर्टरीज से आर्टेरियल सप्लाई हो रहा है, और फिर उसकी पतली पतली कैपिलरीज आर्टरीज आर्टेरियल कैपिलरीज, यहाँ पे विनियोल ये वीनस की कैपिलरीज, यहाँ पर मेट आर्टरियल बताया गया, जो अपने आर्टरियल में नाम यहाँ पढ़ा था ना, देखो टर्मिनल आर्टरियल, मेटा आर्टरियल और थोरोफेर चैनल, तो यहाँ मेट आर्टरियल देखो जो आर्टरियल को कैपिलरी से जोड़ रहा है मेट आर्टरियल, फिर थोरोफेर जो आगे जाकर के वो पूरी ब्रांच के थ्रू में थोरोफेर चैनल है, और ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स बताए गए हैं डायग्राम में, देख सकते हैं आप। अब कैपिलरीज कितनी तरह की होती है, कंटिन्यूस और फेनेस्ट्रेटेड। कंटिन्यूस कैपिलरी स्किन में, लंग, स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती है, जबकि फेनेस्ट्रेटेड पैनक्रियाज में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोरोइड प्लेक्सस में और कैपिलरी प्रोसेसेस वगैरह में पाई जाती हैं। याद कर लीजिए नाम भी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कैपिलरीज हैं। अब साइनोसॉइड्स क्या होते हैं, ये लार्ज इरेग्युलर वैस्क्यूलर स्पेस होते हैं, बड़े बड़े इरेग्युलर टाइप के वैस्क्यूलर के स्पेस हैं, जिनका 30 से 40 माइक्रोन डायमीटर होता है। ये लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, सुप्रा रीनल और पैरा थायरॉइड जैसे रीजन्स के अंदर पाया जाता है। आर्टरीज कैपिलरीज हो गई, अब वेन्स पे आ जाइए, वो ब्लड वेसल जो हार्ट तक वापस ब्लड को लेकर के आती है उनको अपन वेन्स कहते हैं। ये हमेशा वन वे में चलते हैं, इनमें वन वे वॉल्व होता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, एक बार ब्लड वहाँ पे आ गया तो वापस पीछे नहीं जा सकता। इसमें जो ब्लड होता है उसके अंदर हाई कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए अपन इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहते हैं। स्ट्रक्चर में दिखाई ये वेरिकोस वेन कई बार हो जाता है, लंबे समय तक जो लोग खड़े रह रहे होते हैं उनके अंदर वेरिकोस वेन की कंडीशंस देखने को मिलती है। ये नॉर्मल वेन दिखाई गई है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्लोज्ड वॉल्व के थ्रू, अगर वॉल्व क्लोज्ड है तो ये आगे नहीं जा पाएगा वन वे, जैसे ही वॉल्व खुल जाता है देखो खुली हुई कितनी अच्छी कंडीशन दिखाई गई, बंद है तो देखिए और ये खुली है तो देखिए ये ओपन वॉल्व। वेरिकोज वेन में ये वॉल्व ओपन हो जाता है, बैक फ्लो हो जाता है, अदरवाइज ब्लड यूनिडायरेक्शनल फ्लोज का रहेगा। वेन्स कैसी होती हैं भाई, थिन वॉल की होती हैं, इनमें ल्यूमन बड़ा और इरेग्युलर टाइप का होता है, इनमें वॉल्व्स पाए जाते हैं। आर्टरी मैंने कहा ल्यूमन बहुत नैरो होता है, इसमें लार्ज और इरेग्युलर होता है, इसमें वॉल्व्स होते हैं, डेड स्पेस भी उसके चारों तरफ पाया जाता है। वेन्स लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज की होती हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज की। जो वेन्स बिना वॉल्व के होती हैं वो SVC और IVC, इसके अलावा हिपैटिक और रीनल की भी वेन्स में वॉल्व नहीं होते, यूटेराइन, ओवेरियन पर टेस्टिकुल में होते हैं, टेस्टिकुल इसमें नहीं आएगी, यूट्रस और ओवरी आएगी, फेशियल, पल्मोनरी, अम्बिलिकल, एमिसारी और पोर्टल वेन जो कि 2 मिलीमीटर से छोटी होती है उनमें वॉल्व्स नहीं होते। वेन्स जिनमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होते जैसे ड्यूरल वीनस साइनसिस, पायल वेन्स, रेटिनल, सेक्स ऑर्गन्स के जो इरेक्टाइल टिश्यू की वेन्स होती है जैसे मेल में पाई जाती है ना पैनिस के इरेक्शन के लिए, उनमें भी मस्कुलर टिश्यूज नहीं है इन वेन्स में, और स्पॉन्जी बोन्स की जो वेन्स होती है उनमें भी नहीं होते। अब वीनस रिटर्न किस वजह से हो पाता है, कौन कौन से फैक्टर से, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वीनस रिटर्न होएगा, नेगेटिव इंट्रा थोरेसिक प्रेशर की वजह से भी वीनस रिटर्न हो रहा होता है, आर्टरीज के पल्सेशन से, ग्रेविटी से भी इसका रिलेशन, और वॉल्स की वजह से भी ऐसा देखा जाता है। अब एक कंडीशन है एनास्टमोसिस, क्या है, वेसल्स के बीच में कम्युनिकेशन। एनास्टमोसिस क्या होता है, वेसल्स के बीच में कम्युनिकेशन, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये आर्टीरियल,
तो आर्टेरियल क्या है? एक्चुअली ये एंड टू एंड कन्वर्जेंट होता है, जैसे पामर, प्लांटर, सर्कल ऑफ विलिस, लेबियल इंटेस्टाइनल आर्केड के अंदर देखा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में बड़ा अच्छा सा दिखाया गया है कि कैसे कनेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन कैसे वेसल्स के बीच में हो रहा है, एनास्टमोसिस की कंडीशन दिखाई गई है। कब हो जाता है ऐसा? देखो ये ऑक्लूजन बताया गया, ये ऑक्लूजन है बच्चों, ऑक्लूजन की वजह से ब्लड सप्लाई हो नहीं पा रहे, ये ऑक्लूजन है, ठीक है। तो जैसे ऑक्लूजन, अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फिर क्या उस जगह टिश्यू मर जाएगा क्या ऊपर वाला? पर नहीं, वो टिश्यू नहीं मर पा रहा है, नो इश्चीमिया। क्यों नहीं इश्चीमिया हो रहा है? जबकि जैसे ऑक्लूजन हो गया, ऑक्लूजन मतलब रुकावट आ गई, कोई क्लॉट बन गया, किसी भी तरह कुछ भी जा करके फंस गया अगर ब्लड वेसल के अंदर, तो ऑक्लूजन की वजह से अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी मतलब इश्चीमिया होगा, इश्चीमिया होगा मतलब हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया होते ही नेक्रोसिस हो जाता है। पर यहाँ एनास्टमोसिस की कंडीशन जनरेट हो गई है, एक ब्लड वेसल दूसरे ब्लड वेसल साथ में कनेक्ट हो गई है, तो उसके टिश्यू तक ब्लड सप्लाई रुकी नहीं है, कंटिन्यू चल रही है, यानी इश्चीमिक नेक्रोसिस नहीं हो रहा। पर यहाँ पर देखो ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, कनेक्शन सही नहीं बन पा रहा है, तो इश्चीमिक नेक्रोसिस हो जाएगा, सेकेंड वाले डायग्राम में दिखाया गया है, और थर्ड वाले डायग्राम में भी एनास्टमोसिस नहीं हो रहा है तो भी इश्चीमिक नेक्रोसिस हो रहा है। एक्चुअल तो एंड टू एंड या कन्वर्जन टाइप का देखने को मिल रहा होता है, और पोटेंशियल में कोरोनरी अराउंड, कोरोनरी और जॉइंट्स के अराउंड ऐसा देखने को मिल रहा होती है कंडीशन। अब आर्टीरियो वीनस एनास्टमोसिस, इसमें आर्टरी और वेन जुड़ गई थी, सिंपल जो वैस आर्टेरियल के बीच में हो रहा है उसमें तो आर्टरी और आर्टरी आपस में जुड़ रही थी। दूसरा आर्टेरियो वीनस एनास्टमोसिस हो सकता है जैसे स्किन, नोज की स्किन में, लिप्स में, एक्सटर्नल ईयर के अंदर, जीआई नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में, सेक्स ऑर्गन के इरेक्टाइल टिश्यू में हो जाता है, थायराइड और टंग में ऐसा देखा जाता है। डायग्राम में देखिए एवी शंट बताया गया है, ये ब्लड पासिंग थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरी से पास हो रहा है, ऐसे तो स्फिंक्टर है जो क्लोज रहता है जो कि इसको बचा रहा होता है। तो इस तरह से सिंपल जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है नॉर्मली वैसा हो रहा है। यहाँ दूसरे डायग्राम के अंदर बताया गया है कि स्फिंक्टर रिलैक्स हो गए हैं, पहले वाले तो क्लोज थे, बाकी सेम कंडीशन। तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास हो रहा है और स्फिंक्टर क्योंकि ओपन है तो आर्टरी और वीनस एनास्टमोसिस या शंट देखने को मिल रहा होता है, ब्लड पास हो रहा है यहाँ पर इस एनास्टमोसिस के थ्रू ऊपर के साथ में जाकर यहाँ बीच में से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। एनास्टमोसिस वीनस एनास्टमोसिस में कम्युनिकेशन वेन्स या ट्रिब्यूटरी वेन्स की जो है उनके बीच में हो रहा है, जैसे डॉर्सल वीनस आर्क्स है फुट और हैंड में देखने को मिलते हैं, पैरों और हाथों में डॉर्सल वीनस आर्क्स देखने को मिल रहे हैं। अब एंड आर्टरीज जो हमने बोली थी विच डू नॉट एनास्टमोस विद देयर नेबर, एंड आर्टरीज कभी अपने नेबर के साथ में एनास्टमोस नहीं होती। सेंट्रली कहाँ होता है ऐसा? रेटिना की सेंट्रल आर्टरी में, स्प्लीन की, लीवर की, किडनी की आर्टरीज में, लॉन्ग बोन्स के मेटाफाइसिस में एंड आर्टरीज होती है तो एनास्टमोसिस नहीं होगा, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सेंट्रल ब्रांचेस में भी ऐसा देखा जाता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो एनाटॉमिक एंड आर्टरीज हैं उसके टिश्यूज के बीच में देखिए कोई एनास्टमोसिस नहीं हो रहा, जबकि यहाँ लिग्नेचर आया हुआ है, रुकावट आई हुई है, जबकि फंक्शनल एंड आर्टरी में एनास्टमोसिस दिखाया गया है। अब सर्कुलेशन, कोरोनरी, पल्मोनरी, सिस्टमिक और फीटल, चार तरह के सर्कुलेशन होते हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन हार्ट के बीच में ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट में बीच में क्या, हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक में हार्ट और बॉडी की बाकी सेल्स के बीच में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो सिस्टमिक, और बच्चे में फीटल सर्कुलेशन, क्योंकि जो ह्यूमन नॉर्मल एडल्ट्स में जो सर्कुलेशन चल रहा है या पैदा होने वाला जो सर्कुलेशन चल रहा है उसका जस्ट अपोजिट जो सर्कुलेशन है वो फीटल लाइफ के अंदर चल रहा है, इसलिए फीटल सर्कुलेशन अपन अलग से पढ़ते हैं। अब सिस्टमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट और लंग्स के बीच में फ्लो हो रहा है जैसा डायग्राम में ऊपर की तरफ दिखाया गया है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के वेरियस पार्ट में फ्लो हो रहा है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन डायग्राम देखें।
ये देखिए लंग के पास कैपिलरी बेड बताया गया है लंग्स का, जहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। पल्मोनरी आर्टरी, देखो भाई हमारे, हम नॉर्मल जब हार्ट और बॉडी के बारे में पढ़ते हैं यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि पल्मोनरी में थोड़ा उल्टा चलता है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेंस से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। थोड़ा गौर फरमाए इस चीज़ के ऊपर। ये वीना कैवी दिखाई गई हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर एओर्टा और उसकी ब्रांचेस बताई गई जो पल्मोनरी वेन से जुड़ी हुई हैं। ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट एट्रियम हार्ट के, और नीचे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू जा रहा है। रेड कलर ऑक्सीजन रिच और CO2 पुअर ब्लड, और ब्लू कलर में ऑक्सीजन पुअर और CO2 रिच ब्लड। नीचे की तरफ सिस्टमिक सर्कुलेशन का, ये कैपिलरी का बेड है जो सभी टिश्यूज में दे रहा है, गैसें एक्सचेंज कर रहा है। अब कोरोनरी सर्कुलेशन पहले सुन लीजिए, आर्टरियल सप्लाई देख रहे हैं उसमें, वही स्ट्रक्चर सुपीरियर वेना कैवा, फिर एनास्टमोसिस बताया गया है वेसल्स का, वो जंक्शन जो जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ में जुड़ रहा है। नीचे राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, इंटरवेंट्रिकुलर क्योंकि वेंट्रिकल्स को जोड़ते हुए बीच में, तो पोस्टर इंटरवेंट्रिकुलर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। एंटीरियर इस रीज़न को क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे हार्ट का एपेक्स है इसलिए। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उसके ऊपर राइट साइड का पार्ट बताया गया है, क्योंकि अपन उसका कौन सा स्ट्रक्चर दे रहे हैं सामने से नहीं, थोड़ा तिरछा करके अपन ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बताई गई है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज के टो सेट से बिफोर ड्रेनिंग इन सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन में जाने से पहले कैपिलरी के टो सेट से आ रहा है, देखो डायग्राम के अंदर। ये इन्फीरियर वेना कैवा ऊपर दिखाया गया, ये लीवर है, ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन, पोर्टल सर्कुलेशन ऑब्वियस है लीवर तक देगा, नाम से पता चल रहा है ना, पोर्टल अपन लीवर के लिए यूज़ करते हैं, तो लीवर में सप्लाई करे इसे पोर्टल वेन, जो वहाँ से ब्लड को लेकर के आ रही है और फिर गट में दे रही है। फीटल सर्कुलेशन जस्ट अपोजिट होता है भाई, देखो फीटल सर्कुलेशन देख लीजिए, एओर्टा, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा जा रही है, डक्टस विनोसस, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज, क्योंकि इसमें तो भाई कैसे होएगा, माँ की प्लेसेंटा से होता हुआ ब्लड बच्चे तक जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरीज का रोल होता है। प्लेसेंटा दे रही है, हार्ट तक पहुंचा रही है, डिसेंडिंग एओर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक और डक्टस आर्टरियोसस। आगे इन स्ट्रक्चर्स को अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये देखिए प्लेसेंटा है जो कि अपना ब्लड अम्बिलिकल वेन में डाल रही है, तो मैंने कहा था उल्टा चलता है, अपने को अपने अंदर प्योर ब्लड किस आता है आर्टरी से, पर बच्चे के अंदर प्योर ब्लड आता है वेन से और इम्प्योर ब्लड जाता है आर्टरी से। तो प्लेसेंटा प्योर ब्लड दे रही है अम्बिलिकल वेन को, अम्बिलिकल वेन से पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन में डक्टस विनोसस से होता हुआ ये इन्फीरियर वेना कैवा में जाएगा, जहाँ से ये राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, फोरामन ओवेल से भी जा सकता है, राइट एट्रियम से सीधा राइट वेंट्रिकल में भी जा सकता है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो एसेंडिंग एओर्टा के थ्रू ब्लड को देगा, एसेंडिंग एओर्टा से ये राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, लेफ्ट एट्रियम से तो बच्चे के सारे टिश्यूज को मिल गया, फिर वहाँ से टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एसेंडिंग एओर्टा में, वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, फिर डक्टर आर्टरियोसस से होता हुआ वो डिसेंडिंग एओर्टा में जाएगा और वहाँ से अम्बिलिकल आर्टरी में चला जाएगा और माँ तक पहुँच जाएगा प्लेसेंटा से। अब डिजीज डिसऑर्डर्स भाई क्या क्या हैं, हार्ट और ब्लड वेसल से जुड़ी हुई कौन कौन सी डिजीज हैं, ब्लड प्रेशर, जो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उसका या तो प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है, इसके अलावा अगर कोई रप्चर हो जाए, ब्लड लीक होने लग जाए तो हैमरेज, हैमरेज की वजह से स्ट्रोक की कंडीशन अराइज हो जाती है, इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसमें थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ
आर्टरीज देखने मिलती है, एन्यूरिज्म जिसमें डायलेशन ऑफ आर्टरीज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, कंजेसिव हार्ट फेलियर, एनीमिया ब्लड की कमी, हीमोफीलिया आपने पढ़ रखा है जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता, और ल्यूकेमिया ब्लड का कैंसर है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी कॉमन है, ओल्डर पीपल को ही खाली नहीं हो रही होती हैं, बाकियाँ भी हो सकती हैं। बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स जो बच्चों और टीनेजर्स में भी देखी जाती हैं। तो बस ये जनरल आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था जो इन शॉर्ट हमने आज पढ़ा है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं डाउट आपको पूछने के लिए नहीं कह रही हूँ, डाउट पूछने के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि अभी तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, तो डाउट उसके बाद ही पूछिएगा। तो यहाँ पर अपना अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। क्लास ख़त्म होने के बाद आपके ये क्वेश्चंस हैं जो आपको क्वेश्चंस लिख करके टिक करके ये आपका असाइनमेंट है, मैं आपको दे रही हूँ, असाइनमेंट पूरा करिए, इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इनका आंसर टिक करिए और फोटो क्लिक करिए और अपने नाम के साथ में अपने CR को जो है वो व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मेरे पास मिल जाएंगे, उसी के बेसिस पर अटेंडेंस लगेगी, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं कोई डाउट वाउट पूछने के लिए आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, पढ़ना है, और डाउट आपकी नेक्स्ट क्लास में अपने आप दूर हो जाएंगे क्योंकि हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चंस है, इनको करिए और मुझे असाइनमेंट दीजिए, विद इन 3 डेज आपका असाइनमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए, बल्कि अगले दिन ही आ जाना चाहिए, सिर्फ टिक ही करने को, उस लिख कर तो आपको भेजना नहीं है, तो टिक करके भेजिए। और दूसरा, आपको आर्टरीज और वेंस के अंदर एनाटॉमिकल डिफरेंस लिख करके भेजने हैं, ये आपका असाइनमेंट है, वो लिख करके भेजना है अपनी ओन हैंड राइटिंग के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।